नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस पर खेती किसानी और ग्रामीण भारत की ताजा तरीन खबरें लेकर मैं अनिका आर्यन हाजिर हूँ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। कांग्रेस ने फसल बीमा योजना में बदलावों को बताया तुगलकी फैसला, कहा अब किसान को चुकाना पड़ेगा 27% प्रीमियम। पूछा अगर राज्यों ने भी घटाया अपना हिस्सा तो किसान कैसे भर पाएंगे प्रीमियम। विधानसभा का घेराव करने जा रहे किसानों को हरियाणा पुलिस ने हिरासत में लिया। धान खरीद घोटाले की सीबीआई से जांच कराने की मांग। राइस मिल और अधिकारियों की मिलीभगत से हुआ करोड़ों का घोटाला। बीकेयू की अगुवाई में दिल्ली के जंतर मंतर पर किसानों का प्रदर्शन। कर्ज से मुक्ति दिलाने और स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू करने की मांग, कहा बात नहीं मानी गई तो होगा जेल भरो रेल रोको आंदोलन। राजस्थान में सीएम अशोक गहलोत ने पेश किया 7 संकल्पों वाला बजट। राज्य में 100 नई अनाज मंडियां खोलने का ऐलान। 257 करोड़ रुपए से 25,000 किसानों को दिए जाएंगे सोलर पंप। बुलेटिन में सबसे पहले बात हरियाणा में धान खरीद घोटाले की। इसकी जांच सीबीआई से कराने की मांग को लेकर भारतीय किसान यूनियन ने पंचकुला में जोरदार प्रदर्शन किया। ये किसान अपनी मांगे मनवाने के लिए चंडीगढ़ में विधानसभा का घेराव करने जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने जाने नहीं दिया। किसानों को रोकने के लिए वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया। बाद में पुलिस ने सभी किसानों को हिरासत में ले लिया। हरियाणा के इस धान खरीद घोटाले में राइस मिल, मंडी और खरीद एजेंसियों को शामिल बताया जा रहा है। अब तक हुई जांच के मुताबिक यहां किसानों के नाम पर फर्जी जे फॉर्म्स काटे गए, लेकिन धान की खरीद दूसरे राज्यों के किसानों से की गई, यानी किसानों को सरकारी धान खरीद का लाभ नहीं मिल पाया। किसान नेताओं का मानना है कि इस पूरे फर्जीवाड़े से राज्य को भी करोड़ों रुपए का चूना लगा। इनका ये भी कहना है कि उत्पादन अगर 25 लाख टन का हुआ तो मंडी में बिक्री उससे दुगनी या उससे ज्यादा कैसे हुई। ये तब जब यहाँ सरकार की तरफ से किसानों के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा योजना चलाई जा रही थी और किसानों का आरोप है कि खेत में उनकी फसल खड़ी रह गई और सरकारी खरीद ये कहकर बंद कर दी गई कि जितना धान खरीद का कोटा था उतनी खरीद कर ली गई है। ये आप विजुअल्स देख सकते हैं। दिन भर में जब विधानसभा का घेराव करने के लिए किसान नेताओं के साथ किसान वहां शामिल थे तो किस तरह का बर्ताव, किस तरह के ये विजुअल्स आपकी स्क्रीन पर। और इस मामले पर और ज़्यादा बातचीत के लिए रुख करते हैं भारतीय किसान यूनियन के हरियाणा इकाई के प्रधान गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी से। गुरनाम जी, स्वागत है आपका किसान बुलेटिन में। हम ये विजुअल्स दिखा रहे हैं, धान खरीद घोटाले के खिलाफ प्रदर्शन, किस तरह की कार्रवाई की गई हम देख सकते हैं, वाटर कैनन्स का इस्तेमाल, क्या कुछ आपने देखा और क्या कुछ आपने सहा। देखिए, हरियाणा का जो धान घोटाला है वो बिहार के चारा घोटाले से भी बड़ा घोटाला है। आप जो आंकड़े भी दे के हटे हैं वो सारे हमने वो आरटीआई में मांगे और आरटीआई में मांग कर हमने खुलासा किया है उनका। साथ में मतलब जितनी धान पैदा हुई है वो करीब 25 लाख टन पैदा हुई है और 69 लाख टन धान जो है वो मंडियों में बिकी है। और अगर प्रति एकड़ का आंकड़ा देखा जाए तो 75 क्विंटल 80 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से उत्पादन बैठता है, जबकि खेत में पैदावार जो है वो 25 से 30 क्विंटल के बीच होती है। तो घोटाला तो अपने आप में ही बोल रहा है, आंकड़ों के हिसाब से ही बोल रहा है। अब हम इसकी सीबीआई की जांच की मांग कर रहे थे। कई अधिकारियों को लेटर लिख चुके हैं, सरकार को लेटर लिख चुके हैं, ना तो बात करने के लिए राजी है और कई पहले प्रदर्शन कर चुके। और आज हमने, क्योंकि विधानसभा का सत्र आज से शुरू था, इसलिए हमने विधानसभा तक रोष मार्च निकालने का फैसला किया था। जी, हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है प्रदर्शन करना, रोष मार्च निकालना। हमको लाइन ऑर्डर खराब नहीं कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने और सरकार के इशारे पर हमारे साथ बल प्रयोग किया है और बड़ी ज्यादती हमारे साथ की है, वाटर कैनन का प्रयोग किया है, धक्का मुक्की हमारे साथ की है और जबरदस्ती हमें उठा के बसों में ठूंस दिया गया है और शाम तक हमें थाने में रखा गया है। 2-3 थानों में अलग अलग उन्होंने रखा है। तो हमारी आवाज को दबाने का एक प्रयास किया गया है। हमारी मांग ठीक है, सीबीआई से इस केस की जांच कराई जाए, क्योंकि ये सुनियोजित घोटाला है।
जब आप कहते हैं ये सुनियोजित, तो आपको क्या लगता है, बात तो सरकार ने अपनी तरफ से राइस मिलर्स पर रेड्स भी की हैं, आपकी क्या मांग है कि मंडी में आढ़तियों से लेकर तमाम अधिकारी और राइस मिलर्स इन सब की मिली भगत है, भ्रष्टाचार की बू आती है? देखिए, हमारे पास सबूत है, ऐसे सरकार के खुद के ही सबूत है। इन्होंने मेरी फसल मेरा दौरा में जो दर्ज कराया है वो हरियाणा के 2.25 लाख किसानों ने करवाया और 9 लाख 10 हजार एकड़ का उसमें रजिस्ट्रेशन करवाया कि इतनी धान हरियाणा में है। और इन्होंने क्या किया है, घोटाला करने के लिए हरियाणा के किसानों से तो 10 तरह के कागज मांगे हैं, लेकिन जब इन्होंने घोटाला करना था तो उस वक्त इन्होंने एक छूट दी कि दूसरे प्रदेशों का जो किसान है वो भी हरियाणा में डाल सकता है और वो उसका खाली रजिस्ट्रेशन टेलीफोन नंबर पे ही कर लिया जाएगा। पहली उसमें छूट इन्होंने दी, और उसके बाद इन्होंने 1 अक्टूबर को जिसमें 6 IAS अधिकारी शामिल थे और 7वें राजेश कुल्लर जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं हरियाणा के वो शामिल थे, इन्होंने एक प्रस्ताव पास किया कि किसी भी सेलर की हम फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं करेंगे, यानी उसने मंडी से कितना धान खरीदा है और कितना उसके सेलर तक गया है वो उसके पास पूरा है कि नहीं, हम ये चेक नहीं करेंगे, आपको छूट है, आप गड़बड़ करिए। और तीसरी गड़बड़ी इन्होंने तब की जब फिजिकल वेरिफिकेशन करनी थी, जो हरियाणा का खाद्य आपूर्ति विभाग का अतिरिक्त आयुक्त है उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि आपको 10 दिन का टाइम है सेलर वालों को कि हम 10 दिन बाद आपकी फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे, आप तब तक इसको जो अपना मेंटेन कर लें अपनी चोरी को जी। और अगर किसी चोर की चोरी पकड़ने तो रेड की जाती है, अचानक रेड की जाती है। और फिर इन्होंने जो कहा कि हमने 3 बार फिजिकल वेरिफिकेशन करा ली, तो हमारा मानना है कि फिजिकल वेरिफिकेशन तो वसूली का तरीका है भाई, आपने हमारे से 1 लाख टन धान लिया है और हमें वापस भी 1 लाख टन के चावल देने हैं, आप 90,000 टन के नहीं दोगे, तो वो एक फिजिकल वेरिफिकेशन है। हमारी शिकायत है वो ये है कि ये धान हरियाणा का नहीं था, ना मंडी में आया ना मंडी में बिका। तो ऐसे में ये बताइए कि अगर ये धान हरियाणा का नहीं था तो जो ये सरकार की तरफ से योजना चल रही थी मेरी फसल मेरा ब्यौरा, उसका क्या? मैं वही हमारा सवाल है कि अगर दूसरे स्टेटों से धान मंगाना था तो फिर हरियाणा में मेरी फसल मेरा ब्यौरा में क्यों लोगों को परेशान किया गया? और एक मैं घोटाले का और सबूत हमने इनको दिया कि जब के जो गेट पास है वो जाली है, मंडी के गेट पे कोई नहीं है, जब आउट गेट पास है जब ट्रक लद के जाता है तब हम वीडियो पेश कर रहे हैं कि मंडी में कोई नहीं है, कहीं दूर दफ्तर है वहां पे कोई ट्रक नहीं है, बिना ट्रक के उनके आउट गेट पास काट रहे हैं जी। ये हमने सबूत दिए और ये हमने RTI में ये भी मांगा कि किस आरती के पास कितना धान है, वो कई हमने उसका रिकॉर्ड दिया इनको कई आरतियों का कि जिसके पास पूरे साल में 1 भी क्विंटल अनाज दूसरा नहीं आया, केवल 15,000 क्विंटल 16,000 क्विंटल इतनी उसके पास धान आई। इसका मतलब ये था कि वो धान नहीं आई, जाली पर्चे का चाहिए। हमारी जो मांग थी जासूस जहां से करना चाहिए कि अगर उस किसान के 15,000 क्विंटल के पर्चे कटे हैं तो उसको चेक करें ना कि वो 15,000 जी। गुरनाम जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस इनसाइट को देने के लिए। तो गुरनाम सिंह चरूनी जी का ये कहना है कि ये जो पूरा धान खरीद का जो मामला हुआ, जिस तरह से ये योजना चली उसमें किसानों का ध्यान नहीं रखा गया और बहुत ही जबरदस्त तरीके से फर्जीवाड़ा सामने आया है, जिसकी उन्होंने CBI की जाँच की मांग की है। बढ़ते अगली खबर की ओर। मोदी सरकार ने फसल बीमा योजना में सुधार के नाम पर जो बदलाव किए हैं उसने पूरी योजना के भविष्य को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है, ये दावा है कांग्रेस का, जिसने फसल बीमा योजना में बदलावों को तालेबंदी करार दिया है। देखिए ये रिपोर्ट। मोदी सरकार ने किसानों की मांग को मानते हुए फसल बीमा योजना को स्वैच्छिक बना दिया है, लेकिन इसके साथ फसल बीमा के लिए प्रीमियम में अपनी हिस्सेदारी को घटा लिया है। अब सरकार फसल बीमा के लिए प्रीमियम में 50% की जगह असिंचित क्षेत्रों में 30% और सिंचित क्षेत्रों में 25% हिस्सा देगी। कांग्रेस ने इसे फसल बीमा योजना पर तालाबंदी जैसा कदम बताया है। कल एक तुगलकी निर्णय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में मोदी मंत्रिमंडल ने किया और ये कह दिया
कि केंद्र सरकार की बीमा प्रीमियम राशि के 50% की बजाय वो केवल 25% ही देंगे, यानी 100% कटौती कर दी। इसका नतीजा क्या होगा? 2% तो किसान दे नहीं सकता, 27% कहां से देगा? तो स्कीम बंद हो जाएगी। और यह कह दिया कि स्कीम अब ऑप्शनल है, 27% बीमा उसके पास राशि है नहीं, वो स्कीम को ऑप्ट नहीं करेगा, उसको बीमा राशि उसको बीमा मिलेगा नहीं। केंद्र सरकार ने फसल बीमा योजना के तहत राज्यों को एक या अतिरिक्त रिस्क कवर को चुनने की छूट दी है। इसमें राज्य सरकारें ओला गिरने जैसी घटनाओं को भी फसल बीमा के दायरे में ला सकेंगी। इसके अलावा सरकार ने फसल बीमा एजेंसी यानी बीमा कंपनी चुनने की न्यूनतम समय सीमा 3 साल कर दी है। सरकार भले ही फसल बीमा योजना को किसानों के लिए सुरक्षा कवच बता रही हो, लेकिन कांग्रेस इससे केवल निजी बीमा कंपनियों को फायदा होने के दावे कर रही है। 2016-17 के, 17-18 के और 18-19 के, मैं आपको रिलीज कर रहा हूं, ये मैं नहीं है, मैं सरकार के आंकड़े, ये दर्शाते हैं कि बीमा कंपनियों को मोदी जी ने प्रीमियम तो दिया 70,801 करोड़, 77,801 करोड़, और बीमा कंपनियों ने मुनाफा कमाया उस प्रीमियम पे 19,202 करोड़। तो साहब 70,000 पे 20,000 करोड़ मुनाफा कमाने का बहुत खूबसूरत बिजनेस मॉडल अगर कोई सीखना है तो वो मोदी जी से सीखो, वो सारा पैसा आपकी और किसान की जेब से गया। हालांकि सरकार ने फसल बीमा योजना के तहत क्लेम देने की व्यवस्था को सुधारने के लिए स्मार्ट सैंपलिंग करने और तकनीक का इस्तेमाल बढ़ाने की बात कही है। हालांकि इसके अलावा राज्यों को हर हाल में 31 मार्च तक खरीफ सीजन जबकि 30 सितंबर तक रबी सीजन के लिए प्रीमियम में अपने हिस्से का भुगतान करना पड़ेगा। खरीफ में 31 मार्च और रबी की फसल में 30 सितंबर तक ये राज्यों को अपने हिस्से का प्रीमियम अनिवार्य रूप से जमा करना होगा। जो राज्य इसमें लापरवाही बरतेंगे वो इस योजना में ज्वाइन करने की उनको अनुमति नहीं रहेगी। केंद्र के दावे और विपक्ष के आरोपों के बीच असल सवाल ये है कि क्या देश का किसान 27% प्रीमियम चुकाकर अपनी फसलों का बीमा करा पाएगा? अगर नहीं तो किसानों को मौसम की मार से सुरक्षा कवच देने का सरकार का दावा कितना सही है? ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। फसल बीमा योजना में बड़ा फेरबदल, इसको और ज्यादा समझते हैं तफसील से इस मामले में बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं फोन लाइन पर अखिल भारतीय किसान सभा हरियाणा के प्रदेश सचिव बलबीर सिंह ठाकन जी। बलबीर जी, स्वागत है आपका किसान बुलेटिन में। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, एक फ्लैगशिप योजना जो 2016 में शुरू की प्रधानमंत्री ने, इसमें इतने बड़े फेरबदल किए हैं, आपको क्या लगता है कि किसान के लिहाज से अब ये कितने लाभकारी साबित होंगे? दरअसल ये फसल बीमा योजना के मुद्दे इतना भी मेरा पीटा जा रहा है कि किसान को राहत पहुंचा रहे हैं। किसान संगठनों का ये मानना है कि फसल बीमा के नाम पर किसानों की लूट की जा रही है। ये कोई राहत किसानों के लिए नहीं है, ये सिर्फ बीमा कंपनियों का घर भरने का एक व्यापार है, और अगर इसको स्वैच्छिक कर दिया जाए तो ये अपने आप में भरोसा ही हो जाएगी। तो इसको तो सरकार ने स्वैच्छिक कर दिया जो कि लंबे समय से मांग थी, अब जब ये स्वैच्छिक कर दी गई है तो आपको क्या लगता है कि किसान इसकी तरफ जाएंगे या फिर जैसे कि आपने अभी बताया कि ये धीरे धीरे दम तोड़ देगी? मैं 2017-18 के हरियाणा और गुजरात के आंकड़ों से आपको बताना चाहूंगा कि 13,51,000 लोगों का बीमा हुआ 17-18 में हरियाणा में, जिसमें सिर्फ 4,157 किसान स्वैच्छिक हैं, और इसी तरह गुजरात में 17,53,000 किसानों में से 3,255 किसान स्वैच्छिक हैं। अगर ये 3,000 और 4,000 किसान सारे स्टेट में स्वैच्छिक हैं तो ये अपने आप में ये स्पष्ट है कि किसान को जबरदस्ती इसमें कर्जे की वजह से धकेला जा रहा है जी। किसान इच्छुक नहीं है इस स्कीम का, क्योंकि उससे उसको कोई लाभ नहीं मिल रहा है जी। एक और बात पूछना चाहूंगी कि सरकार ने सिंचित और असिंचित क्षेत्रों में अपनी हिस्सेदारी कम कर दी है, उससे क्या असर पड़ेगा? इसका बोझ किसान पर पड़ेगा या फिर राज्य सरकार पर? अभी तक सरकार की जो नोटिफिकेशन है, प्रेस नोट है, वो इस पे साइलेंट है, लेकिन अगर इसका
बोझ किसान पे ना भी पड़े, अगर राज्य सरकारों पर भी आएगा तो राज्य सरकार पहले आर्थिक संकट से जूझती रहती हैं और वो समय पर प्रीमियम नहीं दे पाएंगी सब्सिडी, तो बीमा कंपनी अगली बार जो है उस प्रांत से जो ये नीमी बंद हो जाएगी जी। तो ये भी एक बड़ा सेटबैक होगा इस स्कीम को जो है। और किसानों का ये मानना है कि सरकारी सिस्टम से कोई कंपनी आए और छोटे किसानों का प्रीमियम सारा सरकार भरे, अगर वास्तव में सरकार किसानों को कुछ देना चाहती है, लेकिन इस बीमा योजना से तो किसानों का मोह पूर्णतः भंग हुआ हुआ है। ये जितना जल्दी उससे इसका पीछा छूटे किसान इसको अपनी बेहतरी के लिए मानता है, क्योंकि जिस प्राकृतिक आपदा से बचने के लिए हम ये बीमा या मुआवजा मांगते थे, एक प्राकृतिक आपदा छठे महीने किसान के खाते पे ये बीमा की किस्त के नाम पे और पड़ रही है, इसको सहन नहीं कर पा रहा किसान जी। ये बताइए कि इसमें जो नुकसान का आकलन है, कहा जा रहा है बहुत स्मार्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा और क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट तभी होगा जब वेदर डिविएशन सामने आएगा, इसको किस तरह से समझा जाए, क्या किसानों को इसका फायदा मिलेगा? अब तक के जो पीछे के अनुभव हैं, अब वो जो स्मार्ट टेक्निक से इनके आकलन की जो बात है वो छलावा रही है, बीमा कंपनियां अपने क्लेम देने से बचने का एक अखंडा के रूप में प्रयोग करती रही हैं, किसान को उनकी उस टेक्निक पे कोई भरोसा नहीं है, ना टेक्निक कोई उपलब्ध है कहीं, वो झूठे आंकड़ों को मैनिपुलेट करके जो किसानों का वापसी नुकसान है उससे नकारने का एक सिस्टम भरा है। अगर ये मौसम के पैरामीटर और जो ड्रोन के पैरामीटर्स हैं अगर वो उस पे खरी नहीं उतरती है तो क्रॉप कटिंग पे ही नहीं जाएंगे, तो अब तक जो थोड़ा बहुत मिल पा रहा था वो भी बंद हो जाएगा। ओके, ये बताइए कि 151 जिलों को भी आपदा ग्रस्त बताया गया है कि वो जो इनको बहुत ज्यादा जो मुसीबत झेलते हैं वहां के लिए बोला गया है कि एक नई बीमा स्कीम, नई बीमा योजना आएगी, और लेकिन उसके बारे में कुछ ज्यादा खुलासा नहीं हुआ, किस तरह का विश्वास है आपको, क्योंकि इससे पहले भी वेदर बेस्ड इंश्योरेंस स्कीम की बात हुई लेकिन कुल मिलाकर किसानों को उसका फायदा होता नहीं नजर आ रहा। ये प्राइवेट बीमा कंपनियों पे एक षड्यंत्र जो है उसके तहत समझा जा सकता है कि जिन जिलों में ज्यादा नुकसान हो रहा है उन जिलों से वो अपना हाथ खींच रही हैं और जिन जिलों पे नुकसान नहीं हो पाता है वहां अपने बिजनेस को सारा पैसा किसानों का और सरकार की सब्सिडी को हड़पना चाहती हैं ताकि नुकसान वाले जिलों से वो अपना पल्ला झाड़ दें। और सरकार भी इससे अब तक खामोश है कि उसके बारे में वो क्या स्कीम लेके आएगी, कोई जानकारी इस मीटिंग में प्रधानमंत्री के द्वारा नहीं दी गई है, उनको राम भरोसे छोड़ दिया गया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया बलबीर जी इन सब जानकारी के लिए, इस पर और तफसील से बात करने की ज़रूरत है, जैसे जैसे इसकी जो परतें हैं वो सामने आएंगी उसको हम और आपके लिए डिकोड करेंगे। फिलहाल बुलेटिन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद खबरें और अभी जारी रहेंगी, आप देखते रहिए किसान बुलेटिन। स्ट्रीम कोई भी हो, बेस्ट करियर ऑप्शन के लिए है भाभा यूनिवर्सिटी, बेस्ट फैकल्टी, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कॉलरशिप्स, हाईटेक लैब्स, 27 एकड़ ऑफ लश ग्रीन कैंपस, हॉस्टल फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन फॉर इंजीनियरिंग, फार्मेसी, डेंटल, कंप्यूटर एप्लीकेशन, मैनेजमेंट एंड एग्रीकल्चर। भाभा यूनिवर्सिटी एट होशंगाबाद रोड भोपाल, कॉल 9165025500। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं किसान बुलेट। भारतीय किसान यूनियन अंबावता ने किसान बचाओ देश बचाओ नारे के साथ दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया। यहां जुटे किसानों ने केंद्र सरकार को किसान विरोधी बताया। किसानों ने कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के सामने कर्ज मुक्ति, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने, किसान आयोग का गठन, बैंक लोन पर सब्सिडी और मुफ्त बिजली कनेक्शन और पेंशन जैसी मांगे रखी। किसान संगठन ने अपनी मांगे पूरी ना होने पर देश भर में जेल भरो रेल रोको आंदोलन शुरू करने की चेतावनी दी। दिल्ली के जंतर मंतर पर भारतीय किसान यूनियन अंबावता आज एक मार्च कर रहा है, आज एक प्रदर्शन कर रहा है सरकार की नीतियों के खिलाफ। राष्ट्रीय अध्यक्ष उसकर ऋषिपाल जी हमारे साथ, क्या आप लोगों की डिमांड है, क्या परेशानियां हैं जिसकी वजह से आप यहाँ आए? देखिए हमारी जो डिमांड है, जब ये सरकारें बनी उसमें ये तय किया कि किसान का संपूर्ण भारत का कर्जा माफ, किसान का कर्जा माफ नहीं हुआ, झूठ और जो चल रहा है इनका जुमलेबाजी, उसमें हम एक बात पूछना चाहते हैं
कि जुमलेबाजी में आज तक कोई किसान का कर्जा माफ नहीं हुआ। 6,000 का ये किसान बैठा है, किसी को एक रुपया नहीं मिला किसान को। इन्होंने झूठ बोल करके सत्ता को कब्जाया है। इन्होंने मतलब किसने? मोदी जी ने। और आज हम ये कह रहे हैं किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर है, और हम आज यहाँ एक दस्तक देने के लिए पूरा देश से किसान आ रहे हैं शाम तक। पूरे देश में आंदोलन करेंगे, लेकिन सरकार कहती है कि जैसे उसने MSP को 1.5 गुना कर दिया, 2022 अब तो एक साल और बचा है, 2022 तक सब किसानों की आमदनी दुगनी हो जाएगी, तो उसको लेकर क्या है? और सरकार की जो तमाम और योजनाएं हैं वो जमीन पर कैसा काम कर रही है? देखिए, जमीन पर कोई काम नहीं कर रहे, सिर्फ झूठ और जुमलेबाजी से। ना तो आय दुगनी हुई है किसान की, नंबर एक। एक जुमला और चलाया चुनाव से पहले कि किसान के खाते में 6,000 रुपए आएंगे। आए किसी के खाते में 2-6,000 रुपए? पूछो, ये किसान हैं सारे, किसी को कुछ नहीं मिल रहा। किसान जो है लगातार प्रोटेस्ट करते रहे, कई संगठन करते रहे, जंतर मंतर पर भी, देश के कई कोनों में भी, लेकिन सरकार के ऊपर कोई असर पड़ता दिख नहीं रहा। तो आपको लगता है कि आप लोगों का जो प्रोटेस्ट है उससे कुछ असर पड़ेगा? देखो, सरकार का असर पहले जो सरकार ही वो किसान की सुनती थी, और ये सरकार किसान की सुनती नहीं, ये दमनकारी सरकार है, ये कुचलने का काम करती है। अभी भी कुछ हमारे किसानों की शिकायत है, पुलिस वाले उनको भड़का रहे हैं, कोई कहीं से रोक दिया, बसों को वहां रोक दिया इंडिया गेट से परे। तो मैं ये कह रहा हूं कि इनका दमन अब चलने वाला नहीं है, आर पार के लिए अब किसान जागरूक हो रहा है। उम्मीद थी लोगों को कि किसान का कुछ भला होगा, लेकिन किसान का भला यहाँ होने वाला नहीं, यहाँ पूंजीपतियों का और मुफ्तखोरों का भला होगा, किसान का भला नहीं होगा। शुक्रिया। तो उम्मीद थी कि किसानों का कुछ भला होने वाला है, लेकिन किसानों का भला नहीं हुआ, और सरकार की तमाम नीतियों के खिलाफ जो लगातार प्रदर्शन चलते रहे हैं, उसी का एक और हिस्सा यहाँ पर जंतर मंतर पर आज साफ दिख रहा है। दिल्ली से कैमरा पर्सन अनिर्वाण के साथ शशांक पाठक, स्वराज एक्सप्रेस। राजस्थान में CM अशोक गहलोत ने साल 2020-21 के लिए 7 संकल्पों पर आधारित बजट पेश किया। सरकार ने 100 नई अनाज मंडी बनाने, किसानों को दिन में 2 फेज में बिजली देने का ऐलान किया है। इसके अलावा बारिश के पानी को सहेजने के लिए 150 करोड़ रुपए दिए हैं। सरकार ने किसानों को 25,000 सोलर पंप्स देने के लिए 257 करोड़ रुपए का बजट रखा है। इसके अलावा राज्य के पश्चिमी जिलों में खजूर की खेती को बढ़ावा देने की भी बात कही है। CM अशोक गहलोत ने स्कूली शिक्षा में सुधार करने और बच्चों को स्कूल बैग के बोझ से छुटकारा दिलाने का ऐलान किया। उन्होंने ये भी कहा कि अगले वित्त वर्ष में 53,000 से ज्यादा नई नौकरियां दी जाएंगी। एक नो बैग एक दिन जो है वो, उसमें छोटे बच्चों को सब तरह की एक्टिविटी मैंने सुनी अभी आपको, वो जब स्कूल में होगी, और एक जो प्राइवेट स्कूल में होता है कि अभिभावक और टीचर मिलते हैं तो बच्चों की ट्रैकिंग होती है, बड़ा एक प्रकार से ट्रैकिंग का काम हो जाएगा और एक्स्ट्रा एक्टिविटी उसके सामने आ जाएगी, तो उसका विश्वास बढ़ेगा भी हाँ मैं जाता आज खेल सकता हूँ, बात कर सकता हूँ। तो कुछ हमने नवाचार किया है। केंद्र सरकार की माने तो सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम योजना से किसानों को प्रति एकड़ 30,000 रुपए का फायदा हुआ है। ये बात योजना के 5 साल पूरे होने पर कराए गए एक सर्वे में सामने आई है। ये सर्वे 19 राज्यों के 76 जिलों में राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद यानी NPC के जरिए कराया गया है। इसके मुताबिक मिट्टी में पोषक तत्वों की मात्रा और सेहत की जानकारी होने से खाद और दवाओं का खर्च घटा है, इससे फसलों की लागत में कमी आई है। इसके अलावा फसलों का उत्पादन भी बढ़ा है। सर्वे के मुताबिक धान के उत्पादन में 10-20%, जबकि गेहूं और ज्वार के उत्पादन में 10-15% और तिलहन के उत्पादन में 40% का इजाफा हुआ है। तो ये तो रहा सरकारी दावा, लेकिन हम आपको दिखाते हैं जमीनी हकीकत। ये खबर यूपी के हमीरपुर जिले की है, लेकिन ज्यादातर जगहों पर मिट्टी के सेहत की जांच और किसानों को सॉइल हेल्थ जारी करने का लगभग यही हाल है। यहाँ पर मिट्टी की जांच करने के लिए लैब तो बनी है, लेकिन इसकी मशीनों को चलाने के लिए टेक्नीशियन ही नहीं है। ये लैब 12 तत्वों की जांच के लिए बनाई गई है, लेकिन यहाँ सिर्फ नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटैश की ही जांच हो पा रही है। सुनिए इस पर किसान क्या कहते हैं। सबसे बड़ी कमी वहाँ पर स्टाफ की तैनाती न किए जाने के कारण है। अगर वो हो जाए, किसान तो मिट्टी लाता है खेत से और लाके धर देता है, उसमें परीक्षण करे कौन,
और कौन उसके परिणाम बता रहे, वही समस्या अपने आप खड़ी हुई है, जिसके कारण किसानों को जो लाभ मिलना चाहिए वो लाभ पाने से वो वंचित है। मृदा परीक्षण के लिए मशीनें आई हुई हैं, लाखों रुपया उसमें खर्च किया गया है, उसका उद्देश्य ये है कि किसानों की जमीन का मृदा का परीक्षण हो ताकि अच्छी पैदावार वो ले सकें, लेकिन वो मशीनें कपड़े से ढक दी गई हैं, ताला बंद कर दिया गया है और अधिकारी कर्मचारी न होने की वजह से किसानों को कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। चार, हमारे टेक्निकल असिस्टेंट पर 3 के होना चाहिए, जिसमें हमारे पास इस वक्त में 1 है। अगर हमारे कर्मचारी ये टेक्निकल असिस्टेंट अगर आ जाते हैं तो हमारा काम बहुत आसान और बहुत अच्छी तरीके से समयबद्ध तरीके से। कितने दिनों से नहीं लैब टेक्नीशियन आपके यहाँ? लैब टेक्नीशियन थे, हम लोग अल्टरनेट तरीके से अपने हमारे विभाग से व्यवस्था होती है, कुछ अपने संविदा पर रख करके जब आपका वर्क आता है तो हम उनको रख लिया जाता है। तो ये आपने किसानों के हवाले से सुनी सॉइल हेल्थ कार्ड की स्थिति। बढ़ते अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार धान किसानों को बोनस का पैसा देने के लिए नई योजना ला सकती है। 24 फरवरी से शुरू होने जा रहे छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र से पहले इस योजना का ऐलान किया जा सकता है। माना जा रहा है कि सरकार इसे न्याय योजना नाम दे सकती है। दरअसल छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों से 2500 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदने का वादा किया था, लेकिन केंद्र सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य के ज्यादा भुगतान करके किसानों से लिए गए धान को सेंट्रल पूल में लेने से इनकार कर दिया था। इसके बाद सरकार ने केंद्र से तय 1815 रुपये प्रति क्विंटल MSP पर धान खरीदने का फैसला किया था। इसके साथ ये वादा भी किया कि सरकार बाकी का पैसा किसानों को दूसरी योजना के जरिए भुगतान करेगी। अब अपने इसी वादे को अमली जामा पहनाने के लिए सरकार नई योजना लाने जा रही है। इसके लिए बजट में 5000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जा सकता है। फिलहाल किसान बुलेटिन में इतना ही। आप देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर को विस्तार से हमारी वेबसाइट www.newsplatform.in पर पढ़ सकते हैं। देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।